पहले का पहला क्वेश्चन कैसा आया था मैंने बता दिया है। आज हम बताएंगे पहले का दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। इम्पोर्टेंट मोस्ट टॉप 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। सभी हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में, और कक्षा 11वीं और 12वीं का 50,000 रुपये वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में आपको मिलेगा डेली वीडियो क्लासेस, रोज़ाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर्स, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी आपको करवाया जाएगा। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके दे रखा है। एक और मज़े की बात, और इस लिंक पर जाकर अगर आप VISHWAKARMA विश्वकर्मा कूपन कोड लगाएं तो 500 रुपये की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ कोर्स खरीदो और बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। पहला क्वेश्चन जो पहले का दूसरा बन सकता है, इन पांचों में से कोई भी एक आपके आ सकता है। तो पहला दे रखा है इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। बिल्कुल सिंपल है। ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई गुणा करने पर 6 आए, घटाने पर 1 आए? तो वो है आपके 2, 3। या तो वो उत्तर आपके ये होगा या वो उत्तर आपके ये होगा। अब यहाँ पर माइनस है, मतलब बड़ा माइनस का छोटा प्लस का, लेकिन वो तो इसमें आएगा ब्रैकेट में। जब ब्रैकेट में खोलेंगे इसका मतलब है बड़ा माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा उत्तर। नहीं तो इसको सॉल्व कर लेना आप आराम से, ये उत्तर आ जाएगा इसका। ये थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके हमें शून्यक दे रखा है 3। शून्यक मतलब होता है जहाँ जहाँ पर एक्स है ना वहाँ पर आपको 3 लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन आपके दे रखा है 2, यहाँ पर आपको 3 लिखना है, यहाँ पर भी 3 लिखना है, फिर के और बाहर आपको 0 लिखना है। तो ये होता है 18, 18 और 3 होते हैं 21। उधर भेज दो तो के हो जाएगा आपके माइनस का 21 हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला लेते हैं ये वाला। इसमें कह रहा है मूल समान है, मूल समान है तो के का मान ज्ञात करो। मूल समान का मतलब होता है डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4 AC इजिकल टू 0। बाहर 0 आता है तब मूल समान होते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लो। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो बी आपका ये रहा AC, 1 और 4। ये आ गया आपके के स्क्वायर माइनस 16 इजिकल टू 0। उधर भेज दो तो ये आ जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा प्लस में, स्क्वायर हट गया तो रूट लग गया और ये आएगा 4। प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस का 4 भी हो सकता है, बट यहाँ पर आपके प्लस वाला ही दे रखा था, प्लस वाले लिखेंगे वरना माइनस वाला भी आपका आंसर है। इसमें आपको ज्ञात करना है विभक्तिकर ज्ञात करना। विभक्तिकर को कहते हैं ये वाला, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये आपका ए है, बी है और ये सी है, बस इसको यहाँ पर जमाना है आपको। तो डी इजिकल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 AC। तो बी कितना देर का आपके 10, ए कितना देर का आपके 3√3 और सी कितना देर का आपके 3√3। और ये हो गया आपके 100, और इनको अगर आप गुणा करते हैं तो ये हो तो हो गया 3, 3 तिया 6, 6 चौक 24, 3 तिया 9, 9 चौक 36, घटा दो 64 आएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो भाई तरीका यही आएगा, ऐसा नहीं सर आपने ये बताया यही नहीं आया। देखो भाई क्वेश्चन जो आएगा उसमें पूछेगा शून्यांक ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो। शून्यांक दिया हुआ है, के का मान ज्ञात करो। मूल समान है, के का मान ज्ञात करो। विभक्तिकर ज्ञात करो। और पांचवा क्वेश्चन आपके दे रखा है द्विघात समीकरण दे रखे हैं कि मूलों की प्रकृति बतानी है आपको। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी भाई आपके? सिंपल है, जब भी यहाँ पर माइनस होगा तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ तो ऑलरेडी प्लस ही आता है तो दोनों ऐड हो जाएंगे।
अगर ए और सी में से दोनों में से कोई भी एक आपके माइनस आता है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उत्तर आपका पॉजिटिव आएगा। उत्तर पॉजिटिव आता है तो होता है वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।